अरे 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 पार्टी साहब का, बहन जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे बच्चों को हमने अपना बना के रखा है। एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी सोच, देश की आज़ादी की रक्षा कैसे करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ना किसी तरीके से कुदरत की वजह से, किसी वजह से हम तकलीफ में, हम कई बार सोचते हम चल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते, ये कभी नहीं सोचते। आपको देख के मुझे सोचता है, मैं भी आप सोचता हूँ। मेरे शरीर के आधे हिस्से में बम्बों से मेरा शरीर खराब है, 14 बार बम्बों से, गोलियों से, गोले से शरीर में सारा कुछ होगा, पर मैं कभी भी महसूस नहीं करता हूँ कि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे सहारा लेना पड़ता है। मैं कभी महसूस नहीं करता भगवान की कृपा, जैसा उसने हमें कर्त दिया उस कर्त को फूलों की तरह हमने सीने पे लगाया। और हम पहले से भी अच्छा काम करते हैं, शायद मैं बिल्कुल ठीक होता इतना जान ना अच्छा कर पाता, मैं आपकी तरह ही हूँ, फर्क नहीं। पर यह है कि मैं थोड़ा सीधा चल लेता हूँ, आप बैठे हैं, मैं बैठ के नहीं उठ सकता। कभी अपने अंदर हमें ये महसूस नहीं करना है कि हमें को तकलीफ है। और वो चीज़ मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, आपके चेहरे की रौनक, आपके चेहरे में खुशी, वो मैं देख रहा हूँ। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको हम रास्ता पार करा सकते हैं, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे साथ भी मेरे जवान थे, बहादुर थे, मेरे साथ थे। मैं गुजरात से कहीं से आ रहा था, मोरी से आ रहा था, रास्ते में देखा तो एक्सीडेंट हुआ और एक आदमी कूद से लग गया, गिरा हुआ है, गाड़ियां जा रही हैं, एक आधा आदमी खड़ा हुआ। मेरे पास साधन था पुलिस का, मैंने गाड़ी रोकी, जो पुलिस की जैसे लोकल यहाँ पुलिस स्टेशन की गाड़ी आई मुझे वहाँ तक छोड़ेगी। मैंने कहा मेरे पास गाड़ियाँ, मैं चले जाऊँगा, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। उनको हॉस्पिटल ले गए, ना लेके जाते बेचारा चले जाता। तो जिंदगी में एक अभ्यास हुआ इस चीज़ का, सेवा का। तो कई बार ऐसे इंसान होते हैं जो चल नहीं सकते, वो तकलीफ में होते हैं, हम उसकी पीड़ा को नहीं समझते। जो नहीं समझता वो भी पाप है। जब जिंदगी की असलियत बता रहा हूँ, कल भी ऐसा हुआ, दूर से देख लिया बूढ़ी माँ है, अब फटाफट अपने लड़के को भागो उसका रास्ता पार करो। जवानों ने रास्ते को रोका और पार करा दिया। देखा तो दो स्टिक से चल रही थी, दो उसका रास्ता पार कर। वापस आया, मेरे लड़के ने पाँव हाथ लगाया, चले गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, अपने अंदर हर व्यक्ति को किसी को तकलीफ है वो अपना नहीं है, उसको अपना समझना होगा।
जिसको अपना समझ लिया समझो उसको भगवान भी। तो कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं महसूस करना है। भाटी जी, बहन जी, आप सब सेवा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और भगवान से दुआ करेंगे कि आप हमेशा ठीक रहें। अगली बार आऊँगा, पूरा टाइम दूंगा, आज टाइम कम है, मुझे क्षमा करना। वंदे मातरम जय। ये मूर्तियाँ माता का प्रसाद है बेटा। ये हमारा बच्चा नेपाल का है। नेपाल और फल है, नेपाल नेपाल से यहाँ पहुँचा। ये नेपाल से लगा उड़ी लगा मैं जाऊँ। हाँ।